क्या रिलीज हुआ कंट्री ऑफ ब्लाइंड का फर्स्ट लुक, क्या होने वाली है फिल्म की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, हिना खान एक्टिंग के अलावा इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स से लोगों का खूब दिल जीता है। हिना ने दुनिया भर में पहचान तब हासिल की जब वो पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर उतरी। टीवी से अपनी शुरुआत करने वाली हिना खान कब सभी के दिलों पर राज करने लगी पता ही नहीं चला। रविवार को हिना की अगली फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड का पोस्टर सामने आया, जिसमें वो एकदम अलग अवतार में नजर आ रही है। अपनी फिल्म के पोस्टर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए हिना ने लिखा, किसी के लिए भी प्रैक्टिकल सिनेमा बनाना आसान नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे सबसे अच्छा बनाना एक टास्क है, खासकर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए। हमें भी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने कहानी के सार का साथ नहीं छोड़ा। एक एक्टर के रूप में एक अंधी लड़की का रोल प्ले करना एक नया और दिलचस्प मोड़ था, और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे फेमस कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 इंडियन पवेलियन में हमारे विश्वास की छलांग कंट्री ऑफ ब्लाइंड का पहला लुक रिलीज किया गया। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं दोस्तों, इस साल हिना ने एक बार फिर से इंटरनेशनल इवेंट कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने फैशनेबल लुक का जलवा बिखेरा। वो अपनी आने वाली फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड के पोस्टर के लिए इस साल फिर से रेड कार्पेट में चलेंगी। ये एक फिल्म H.C. वेल्स के नोवेल द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड पर बेस्ड है। राहत काजमी ने इसे डायरेक्ट किया है। अंधे लोगों से भरी घाटी के जीवन को दिखाती ये फिल्म है। तो दोस्तों, कैसी लगती है आपको हिना खान, कितना इंतजार है उनकी अपकमिंग फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।